सकता है, इसको मैं छोड़ के आती हूँ सिस्टर जहाँ पे रहती है, तो फिर ये कैसे आ जाती है मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह पाक इतनी दूल्हे आपको अच्छी मिले, इतनी अच्छी मिले, एक लाख मोहब्बत अच्छी है, मैंने देखी अच्छी है। ऊपर शेल्फ भी बना दी है बर्तन वगैरह रखने के लिए। माँ जी कितना खुश हैं आप ये बताएं। बहुत खुश हैं मैं। मम्मी जो है वो मेडिसिन लेने के लिए चली गई है मैक की, तो फिर पीछे लाडो खड़ी हुई है, तो लाडो जो है ना सारा कुछ संभाल रही है और सबको खाना दाल डाल के दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खराब से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। लाडो सिस्टर कह रही है आज आपको मुझे लगता है सर्दी बहुत ज़्यादा लगी, दो दो दुपट्टे की मामी नमाज पढ़ के आई है, तो जल्दी से मैं कह रहा था कि जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करें, तो ऊपर से दूसरा दुपट्टा कर लिया नीचे वाला उतारे। तो चले जी यहाँ पर सब्जी जो है वो काटी जा रही है, आज मुझे नहीं पता क्या बनाया जा रहा है, मुझे इधर कद्दू के छिलके नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कद्दू बन रहे हैं। ऐसे ही आपको पसंद है, हम तो नाम ने बोला चलो कद्दू ही बनाते हैं, कब से कह रहे हैं कद्दू बनाओ कद्दू बनाओ, चलो कद्दू खिला लेते। थोड़ी ठंडी सब्जी है और यहाँ पर जी प्याज टमाटर मिर्चियाँ वगैरह जो है वो भी ना नहीं मैंने काट के रखी है, लहसुन और अदरक उसका पेस्ट बनाना बाकी है, उसको अच्छी तरह से धो लिया है और फिर पेस्ट बनाएंगे। छोटी सिस्टर अंदर खड़ी हुई है, इनका कैमरा बंद होगा तो फिर मैं बाहर निकलूंगी, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ नहीं है। अच्छा। तो बड़ी सिस्टर को मुझे पता नहीं है क्या बनाया है बड़ी सिस्टर ने, तो जाके चेक उसके भी चूल्हा जाके देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। तो शाम को अभी जो है ना चरपाइयाँ निकालनी है, लेकिन यहाँ पर मेरी तस्वीर है तो कोई तोड़ ना दे, रात को या फिर सुबह पढ़ के जो है ना फिर मैंने यहाँ पर कराई थी, तो वो जो है ना बिल्कुल। आप भी दुरूद व सलाम भेजा करें क्योंकि अभी महीना जो चल रहा है वो रबी अव्वल का चल रहा है, और इस महीने में वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इस महीने में जो जितना दुरूद पाक पढ़ेगा उसके मतलब बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, 1001 मरतबा डेली वाइज। मेरा छोटा सा ये जो है बेबी नीचे गिर गया, गंजा हो गया, लेकिन इनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको मैं छोड़ के आती हूँ सिस्टर जहाँ पे रहती है, तो फिर ये कैसे आ जाती है मुझे समझ नहीं आती, इनसे मुझे डर लगता है। आयत ले लो अपनी। बच्चे ना खेलते रहते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने के बाद हम आ चुके हैं सबसे पहले यहाँ पर, हाँ क्योंकि हमने कहा जाके पता करके, हम मिस्त्री भाई तो अभी चले गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा जाके देख आएंगे अम्मा जी का कमरा कितना हो गया है, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक उस सिस्टर को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, उनके बेटों को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे और खुश खुर्रम रखे और तरक्कियां नसीब करे, कि उन्होंने इस बाबा जी और अम्मा जी को ये कमरा बनवा के दे रही है। उनके बेटे के नाम अली शहराज है, एक उधर मतलब कमरा बनवाया उन्होंने, और अलिया फातिमा के लिए भी आपने एक प्यारी सी बच्ची है उनकी, उनके लिए भी ढेर सारी दुआ करते रहना, ठीक है अम्मा जी। अल्लाह उसकी जिंदगी दे, उनको खुशियाँ दे, आमीन आमीन, उनको मोहब्बत दे, सबको मोहब्बत दे, आमीन, प्यार दे, इखलाक दे, आमीन, उन लोगों ने हमारे साथ दिया है, आमीन, मोहम्मद को भी अल्लाह खुशी दे, घर भी अली शहराज, अली शहराज को भी खुशियाँ दे, मोहब्बत दे, उन्होंने हमारे साथ दिया है, अल्लाह इतना दे, इतना दे, बहुत दे, आमीन आमीन। तो आप क्या क्या बना रही थी, जरा आप दिखाएं तो सही ना, बना क्या रही थी। आ जाओ बेटा, अम्मा जी ना हम उधर से आ रहे थे, इधर 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 ये दिखाएं, मैं दाल बना रही थी, हाँ ये दिखाएं हमें कि आप खाने में क्या बना के आप हमारे बाबा को खिला रही हैं। ये देखो ये गरीब आदमी है, चलो भी दाल बना ले, लोबिया है वो कल, अच्छा अभी बॉईल करने के लिए खड़ा हुई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, अच्छा। फिर इसको प्याज काट के रखे, ठीक है, फिर इसको जो है ना बनाएंगे, ठीक है, ये टमाटर है, चलें जी। अल्लाह पाक आप लोगों को जजाए खैर दे, और वहाँ पर इन्होंने सहायक का इंतजाम किया हुआ है, अभी नल वगैरह लगवा के दिया ना तो हरियाली होगी, बाबल जी पानी वगैरह डालते हैं, इतने खुश हैं, दिन रात दुआएं मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं। चलें जी अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे मेरी माँ, बहुत बस हम भी बहुत खुश हैं, हम एक दिन जा रहे थे ना, देखना एक दिन जा रहे थे कि हम बाबा जी रो रहे थे, अम्मा जी रो रही थी, तो हमें बहुत मतलब दुख हुआ ना, आप तो फरिश्ते बन के आए थे बेटा, मेरी जगह भी नहीं थी, अभी सर्दियों में सोऊंगी तो दुआ करूंगी, बेशक देखना किसी गरीब की मदद करने के बाद दिल को में जो खुशी पैदा होती है ना वो कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बुजुर्ग हैं हमारे, बस हमारे लिए यही दुआ कीजिएगा कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, बस
बिल्कुल हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हम सब के लिए दुआ करें, उस आप ही के लिए भी जिन्होंने आपको मकान बनवा के दिए। अल्लाह हमारे बेटे को भी एक का लाख करे। बस ये जिंदगी तो गुजर जानी है ना, बहुत इतनी ले जो माल बड़ी होंगी मेहरबानी, बहुत मतलब झोली मांग रहे अल्लाह देखो आमीन आमीन। बस ये भी दुआ किया करे कि हम सब की आखिरत अच्छी हो जाए, बस आखिरत चंगी करे आमीन। अल्लाह मेहरबानी करे, बस उनकी शाबाश है, सारे भेज दी तुम्हारे जरिए ना, बड़ी उनकी मेहरबानी है, बहुत बहुत चले जी। अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपको भी बेटा खुशियाँ दे, हमारे बच्चों को भी खुशियाँ दे, बाजी करना है, इसकी शादी है माशाल्लाह, फिर तो चाहेंगे ना शादी करने। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक खैर वाफियत से, अल्लाह पाक इतनी दूल्हे आपको अच्छी मिले, इतनी अच्छी मिले, इखलाक मोहब्बत अच्छी है, मैंने देखी अच्छी है, घर वालों के लिए भी, अम्मी अब्बू के साथ। हाँ बस मेरी सिस्टर के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे की करे, अल्लाह पाक उन्हें खैर वाफियत से, आमीन आमीन। मोहब्बतें दे, इतने दे मोहब्बत, इतने दे बहुत मोहब्बत दे, आमीन। जो जो डोरियां है उनको भी अल्लाह पाक दूर करे, खुशियां दे, आमीन। आपको भी खुशियां दे, सबको अम्मी अब्बू की भी अल्लाह, आमीन आमीन। आपको भी हाज कराए, मेरी बेटी को भी, आमीन आमीन आमीन। हमारे दिल की बात कह दी आपने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर सुनेगा, एक दिन एक दिन जरूर हज पे जाएंगे हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जाओगे इंशाल्लाह, बहुत ही दे आपको, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। चले मामी, हम देखने के लिए आए थे, बस यूं ही खड़े हुए थे, हमने कहा जाके देखें कि मकान जो है ना, हमारा फरिश्ते बन के आए थे उस दिन बैठे हुए, नहीं नहीं हम अल्लाह के बस एक अदना से बंदे हैं, बस अल्लाह ने आप लोगों की खिदमत का मौका दिया है, बस अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। बात कहना चाहूंगी, देखो जो भी मेरे बहन भाई है, जो भी मेरे बहन भाई है, ना ही हम लोग मतलब के मैं सफाई दूंगी ना कोई बात है, मैं अल्लाह को पता है या फिर हमें पता है, मैं वो घर देखती हूँ जो मुस्तहक से मुस्तहक होते हैं, बिल्कुल, और जो हकदार होते हैं, और इन बाबा और अम्मा जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ रिश्ता ये है कि हमारे ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं ये, हमारे बुजुर्ग हैं ये, मतलब हमारे इलाके के रहने वाले हैं। तो देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रात को वो चक्कर लगाते थे और देखते थे कि कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा, तो वो देखे ना अपने कंधों पे बोझ लाद के उनके घर छोड़ के आते थे, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बस अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, तावन किया है उन्होंने दिया है, अल्लाह उनको इतना दे, घर में इतनी बरकत पाए, इतना रिज्क में बरकत और इतना इखलाक मोहब्बत दे, एक दूसरे को जुदा न हो, इतना आमीन आमीन। जज़ाकअल्लाह, चले मामी, चले जी, खुश रहे, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन अल्लाह इंशाल्लाह खुशी खुशी से सेरा बांध दे मेरे, ठीक है बाबा जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, आमीन। अभी आ गए इस अम्मा जी के घर और हमें खुशी हुई कि इस अम्मा जी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा हमारी एक यूके से सिस्टर है अजरा बाजी, उनकी हम बहन की तरफ से ये कमरा बना के दिया गया, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उन्हें ढेरों खुशियां दे, जिसने एक गरीब मां को सर छुपाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर बना के दिया, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियां दे, उनके घर में रौनकें लगी रहें। तो अभी कमरे का पहले रिव्यू लेते हैं, देखते हैं कमरे को, और फिर जो है ना सिस्टर के लिए अजराबाजी की बहन के लिए ढेर सारी दुआ भी करवाते हैं। अभी जो है ना माशाल्लाह इसकी धारें वगैरह जो है वो भी फाइनल हो गई हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मामी लोग अंदर चले गए हैं और ऊपर माशाल्लाह की तख्ती भी लगा दी गई है, और अजान और रोशनी के लिए माशाल्लाह दो जो है ना ये हॉल भी बना दिए गए हैं, फैन लगा दिए हैं बीच में से। तो अभी चलते हैं जी अंदर और आप लोगों को अंदर करके दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह, अब देखें माशाल्लाह जी कुछ अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हमारे मिस्त्री भाई जो है ना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त प्लस्तर जो है ना वो किया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह, ऊपर शेल्फ भी बना दी है बर्तन वगैरह रखने के लिए। माँ जी कितना खुश हैं आप ये बताएं, बहुत खुश हैं मैं, बहुत खुश हूँ मैं, आपके दिल की मुराद पूरी हो गई है ना जी, ठीक है, दिल से खुश है ना, बहुत खुश हूँ, बहुत अल्लाह तो मेरी माँ देवे रिस्क भाग देवे ने को, बाकी कमरा पसंद आया, हर चीज पसंद आई, आगे पसंद है, हर शय पसंद है माशाल्लाह, बच्चा हर शय पसंद है, जी में जो उन्होंने दी है जी, खुश है, बहुत खुश है। मेहनत मिस्त्री भाइयों ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना, कई कमी नहीं सी छोड़ी, ठीक है, हर शय छत वगैरह पक्की, हर चीज फुल कर दी है, छाती पूरी पक्की है, हर शय पक्की है,
चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो अभी बाहर आ जाएं माँ जी, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं और हाथ उठा के, अगर दिल से खुश हैं तो हाथ उठा के मेरी माँ, हमारी बहन है अजरा बाजी, उनकी सिस्टर का नाम है जीनत बीबी, उनकी तरफ से आपको ये कमरा बना के दिया गया है, उनके लिए हाथ उठा के ढेर सारी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकतें अता करे, अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह पाक उनके घर में रौनकें लगाए रखे, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें और इस छत का अजर अल्लाह पाक उन्हें पूरा पूरा अता करे, अल्लाह पाक इसका अजर अगले जहान में उन्हें अता करे, अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। अम्मा जी खुश हैं? खुश। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। आपका गला खराब है? नहीं। अच्छा ऐसे मसला हो जाता है, दिल का मसला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, बस अपना हाँ अपना ख्याल रखा करें, ठीक है मेरी माँ? काम करने के लिए भी जाती है ना, तो फिर इस वजह से ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री भाई, कैसे हैं भाई जान? तबीयत से ठीक है, काम फाइनल हो गया है? चले अल्लाह पाक आप लोगों के काम में बरकतें अता करें। सारा प्लस्तर कर दिया पीछे आगे से? चले जी माशाल्लाह, ये हमारे मिस्त्री भाई हैं, क्योंकि काम हमारा ढेर सारा चल रहा है तो उधर भी लगे हुए हैं और इधर भी माशाल्लाह, इधर ये मिस्त्री भाई लगे हुए हैं, उधर जो है ना बड़े मिस्त्री भाई लगे हुए हैं। चलें ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक आपके जज़ाए खैर दे। फाइनली तौर पर जी आ चुके हैं वहाँ से वापसी, और अभी भी एक जिम्मेदारी है और वो देने के लिए जाना है। अभी चलते हैं। हाँ, मकान देखने के बाद, मकान की वीडियोज़ वगैरह बनाने के बाद हम आ चुके हैं इन सिस्टर जी के घर, और इनको देनी थी एक हमारी दुबई वाली सिस्टर की तरफ से अमानत आई हुई थी इनके लिए, तो ये अभी खाना बना रही थी, इनका खाना भी चेक करते कि ये क्या बना रही है। क्या बनाया सिस्टर? मुझे लगता है वो उधर छिलके पड़े हुए हैं कद्दू शरीफ के, तो वही बना रही है। सेम सेम। माशाल्लाह, आज हमने भी कद्दू बनाए हुए हैं। ऐसे नहीं, चलें जी, पेट तो भरना ही है ना जी। ये दुबई वाली सिस्टर की तरफ से आपके लिए कुछ रकम आई हुई थी, वो देने के लिए आपको आए हुए हैं। ये रकम अपने बच्चों के खाने में इस्तेमाल कीजिए, अपने शौहर की मेडिसिन लीजिए, और दुबई वाली सिस्टर के लिए ढेर सारी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको उनकी रिज़्क में बरकतें अता करें, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, अल्लाह पाक उनके नसीब बेहतर करें, और अल्लाह पाक उनके काम में आसानियां पैदा करें, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें हाथ उठा के, अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। चले मामी, खाना भी तैयार हो चुका है, और हाँ मामी जो है वो मेडिसिन लेने के लिए चली गई है मैक की, तो फिर पीछे लाडो खड़ी हुई है, तो लाडो जो है ना सारा कुछ संभाल रही है और सबको खाना डाल डाल के दे रही है। मुस्तफ़ा को भी भूख लगी थी, मामी नहीं थी, मुस्तफ़ा कह रहा था, तो अभी मुस्तफ़ा को खाना दे रही है अभी। चले वो मैक की मेडिसिन लेने के लिए चली गई है छोटी खाला, और वो चले गए हैं उसके साथ, हफ्जा के साथ गई है ना जी, हफ्जा के साथ गए हैं दवाई लेने जी जी। चल मामी लोग जो है ना वो मेडिसिन लेकर आ गए थे वापस, तो महक को मेडिसिन वगैरह खिलाई है, खाना वगैरह खाया मामी लोगों ने, अब सब जो है ना सो रहे हैं अपने अपनी चार पाई, सब लोग अपनी अपनी चार पाई पे सो रहे हैं, मामू भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी देखो करते हैं यहीं पे, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भैया को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।